गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज जस्ट अ सिस्टमेटिक पाथ लाइन टुवर्ड्स अचीविंग गोल। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग in previous video we are talking about features of controlling, and controlling is the time controlling, cost controlling, and controlling start when the planning start. With planning, controlling start. So controlling is not the last function of management. It is very initial and essential function of management, because the overall objective of management is achieving goal effectively and efficiently, and in this regard controlling is the most effective function which control the overall planning in at its every stage and in various ways. Limitation jo controlling ke hain ki sometime ya most of time hum dekhte ki organization would not going to control itself regarding objective and time, cost, etc. So there is some because of some control limitation of controlling, and that is first difficulty in setting quantitative standards. Organization के सामने सबसे बड़ा जो limitation होता है controlling में कि वो quantitative standards को, यानी कि how much going to be produced in a certain time period, or what should be the quality of product which is produced in a given time period. तो इस तरह के जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको निर्धारित नहीं कर पाते हैं और एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन अमाउंट को लेकर के कंट्रोलिंग में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है. दूसरा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम एडॉप्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल एवरी एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंजेस होते हैं उस पर ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उसको हम कंट्रोलिंग पॉलिसी से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में पर बहुत थोड़ा नियंत्रण, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग के, और जिसके कारण मोस्ट ऑफ टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव इट्स टारगेट्स इन टाइम एंड इन कॉस्ट. तीसरा है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय. सम टाइम कंट्रोलिंग के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, तो अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग इज ऑलवेज अ बॉन्डेज टुवर्ड्स इफेक्टिव एंड वर्क कल्चर. तो ये एम्प्लॉय पसंद नहीं करते और अक्सर उसका विरोध करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़े लिमिटेशन के रूप में कंट्रोलिंग के वे में उभरता है. और चौथा कॉस्टली अफेयर. देखिए, अगर आप इन टाइम और इन कॉस्ट कंट्रोलिंग करते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टम डेवलप करने होंगे, इसके लिए आपको डिवाइसेस डेवलप करने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें चेक पॉइंट बनाने होंगे. तो इन सब के कारण ये जो पूरा ओवरऑल कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो एक थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है, और ये भी एक कंट्रोलिंग का बड़ा लिमिटेशन है. Now it is said that planning is controlling and controlling is planning. ये भी कहा जाता है कि planning and controlling both were forward looking as well as backward looking action and activity. तो देखिए, ये planning और controlling का relationship क्या है. Relationship between planning and controlling, it is a very crucial and critical relationship, क्योंकि when we start planning towards achievement of goal as a first action of management, और उसी point से planning के start के time से ही controlling, planning हम ये कह सकते कि planning and controlling is a parallel way which move together. तो planning के साथ ही controlling, यानी planning में जब हम future के plans को, action को decide करते हैं, at that time we have to be opt the optimal way or choice regarding different cost, different action or different prospects. तो जब हम plan करते हैं उसी time
हम कंट्रोल करते चलते हैं, यानी कि प्लानिंग के साथ ही हमारे कॉस्ट और टाइम को लेकर के मैनेजमेंट चलते रहते हैं और वही कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को जो है इंटर रिलेटेड माना गया है और इंटरडिपेंडेंट माना गया है। ये भी कहा गया है कि वेदर देयर इज नो कंट्रोल देयर वर नो प्लान। अगर कंट्रोल नहीं है तो प्लानिंग कैसा, और अगर प्लानिंग है तो फिर उसमें कंट्रोल होना ही चाहिए। यानी कि प्लान गेट इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू कंट्रोलिंग। अगर हम प्लान को ऑन टाइम इन टाइम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल होना होगा, यानी कंट्रोलिंग ही प्लान को इम्प्लीमेंट कराएगी उसके रूप में। तो प्लान है तो कंट्रोलिंग होना आवश्यक है, और अगर कंट्रोलिंग है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्लान है। तो बोथ आर ईच अदर, मतलब कोरिलेटेड विथ ईच अदर है कि वेदर देर इज प्लान देर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग, बिकॉज प्लान एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। बोथ ऑफ देम आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग में भी हम पीछे की गलतियों को आगे नहीं दोहराते हैं और आगे के लिए उससे सबक लेते हैं। उसी तरह से प्लानिंग भी जब हम करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था और उस हिसाब से हम प्लान में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो प्लानिंग में जो मॉडिफिकेशन करते हैं और कंट्रोलिंग में जो कंट्रोलिंग के द्वारा जो उसको कंट्रोल करते हैं इन फ्यूचर, इसी का अर्थ है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। अब हम कहते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो दो ऐसी जुड़वा चीजें हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्लान में जो भी हम एक्शन डिसाइड करते हैं इन फ्यूचर, बिकॉज प्लान इज जस्ट डिफाइन एज अ प्री डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड फॉर दिस वी ऑल्सो टेकन सम एक्शंस एंड ऑल्सो सम मेजरमेंट, एंड दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग को हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर देर इज प्लानिंग देर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग, देर इज कंट्रोलिंग वहां छुपा होता है। कंट्रोलिंग अगर होगा तो ही हम प्लान को सही समय पे उस प्लान के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग को जुड़वा कहा जाता है, जैसे जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है, प्लानिंग इज बेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग फंक्शन का बेस है, यानी कि हम कंट्रोल किसको करेंगे, क्या करेंगे, टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, अदर फंक्शंस को कैसे कोरिलेट और कंट्रोल करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन प्लान। यानी प्लान एक्ट एज अ बेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कंट्रोल क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये भी हमको प्लान ही बताता है। तो प्लान के अनुसार हम काम में तेजी लाते हैं, और प्लान के अनुसार जब हम एग्जैक्ट एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अगर आपने प्लान किया है कुछ भी, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो अपना रूटीन बनाते हैं, जब भी उनको टीचर की तरफ से या अपने पेरेंट्स की ओर से डांट डपट लगती है कि आपका कोई रूटीन नहीं है पढ़ाई का, ये वो, तो रूटीन बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस रूटीन को वो फिर नेक्स्ट डे से ही फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फॉलो करने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो अपने आप पर नियंत्रण चाहिए, जिस सुबह में उठ के पढ़ना है उसको पढ़ना है, जब जो सब्जेक्ट हमने कहा है उसको पढ़े, तो इसके लिए एक बहुत कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है आपस में। तो वही नियंत्रण, अगर नियंत्रण नहीं होगा तो आप लाख प्लान करिएगा वो सारे प्लान फिल हो जाएंगे। तो प्लान इजी है, लेकिन कंट्रोल मेन उसका एक्शन पार्ट है। यानी प्लान को हम तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्लान के अनुसार हम काम कर सकते हैं जब हमारा कंट्रोलिंग होगा, यानी कि विदाउट कंट्रोलिंग द प्लानिंग इज मीनिंगलेस। तो प्लानिंग तो आसान है, प्लानिंग करना आसान है, लेकिन उसको कंट्रोलिंग करना मेन, उसको इफेक्टिव बनाना है। तो प्लान बिकेम इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ
control over plan, and then that plan able to achieve its target or objective. Planning without controlling is meaningless, because in the absence of controlling, it is impossible to monitor the progress and keep a check on the proper implementation of plan. यानी कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है. क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के एब्सेंस में आपको आपके लिए ये असंभव हो जाता है कि आप किस तरह से प्रोग्रेस को यानी कि डेवलपमेंट को आप मेजर करेंगे और एक प्रॉपर इम्प्लीमेंट चेक बनाए रखेंगे प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन कि हाँ आपका प्लान आपके अनुसार और प्लान के अनुसार हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. तो वी आर फॉरवर्ड विथ प्लान और नॉट, तो इट कैन बी ओनली चेक थ्रू अ कंट्रोलिंग कि आपको टाइम टू टाइम वी ऑल हैव टू बी चेक आवर कंट्रोल्स और प्लान थ्रू द प्लानिंग चैनल्स कि हम प्लानिंग चैनल्स को फॉलो कर पा रहे कि नहीं, टाइम पे कर पा रहे कि नहीं, तो उसके अनुसार हम फॉलो कर पा रहे नहीं. तो ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग एक्ट एज ए मेजरमेंट टूवर्ड्स प्लान इफेक्टिवनेस सो एंड ऑल्सो मेक अ एज अ मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस रिगार्डिंग प्लान. नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस व्हाइल कंट्रोलिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन. देखिए प्लानिंग तो आप कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेमिसेस, अल्टरनेटिव चैनल्स का सिलेक्शन करते हैं हम, फाइंड द बेस्ट और ऑप्टिमल चैनल्स टू परफॉर्म अ टास्क, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज अ टोटल माइंड गेम, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. बट कंट्रोलिंग इज रियल गेम बिकॉज इट इज अ एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो आप प्लान करते रहें और उसको एग्जीक्यूट नहीं करें तो फिर आपके प्लान रखे के रखे रह जाएंगे. देखिए सोए हुए सिंह के मुंह में मिग्र नहीं जाता है और उसे उसके लिए प्रयास करने होते हैं. ठीक उसी तरह से कंट्रोलिंग और प्लानिंग है कि अगर आप अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को पाना चाहते हैं तो केवल प्लान बनाना, केवल सोचना, केवल प्लान बनाना, नियोजन कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस प्लान को सही रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्लान के अनुरूप कार्य करना, नियंत्रित ढंग में और कठोर रूप से उस प्लान को फॉलो करना, दैट इज नियंत्रण, दैट इज कंट्रोलिंग. सो इट इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन व्हाइल प्लानिंग इन्वॉल्व क्रिएटिव थिंकिंग. प्लानिंग थिंकिंग है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग क्रिएटिव थिंकिंग है. लेकिन हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं लेकिन रिजल्ट उतना ही आएगा जितना हम करेंगे. तो करना, एक्शन एग्जीक्यूट करना, दैट इज कंट्रोलिंग. और इसका मतलब ये है कि प्लानिंग इट्सेल्फ नथिंग व्हाइल इट इज नॉट ब्रिंग कंट्रोलिंग विथ इट्सेल्फ. सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टुगेदर इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और तब जाकर के जब प्लान कंट्रोल के साथ होता है तब जाकर के वो अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है. दैट्स ऑल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, सो यू ऑल नीड टू बी राइट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो रिमेम्बर इट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम.